हेलो एवरीवन, डेली किचन मैजिक में आपका स्वागत है। तो आज हम क्या बना रहे हैं, आप गेस कर सकते हैं? एक प्रकार का सैंडविच। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, ये नॉर्मल ब्रेड वाला सैंडविच नहीं है, हम बना रहे हैं इडली सैंडविच। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने दोस्तों को अगर आप ये खिलाएंगे तो आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। सो आप ज़रूर बनाएंगे ये। इसके लिए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए होगा। इसके लिए हमने 3/4 कप प्लेन बारीक रवा लिया है, आधी कटोरी से थोड़ा सा कम चावल का आटा, और करीब 2 टेबलस्पून जितना हमने उड़द दाल का पाउडर लिया है। उड़द दाल को नॉर्मल हमने ग्राइंड कर लिया और ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लिया है, तो ये पाउडर हमने लिया है। इसमें एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि हमने जितना रवा लेते हैं उसका हाफ हम चावल का आटा लेते हैं, और उसका भी हाफ चावल के आटे का हाफ हम उड़द दाल का पाउडर लेते हैं। और इन सब चीज़ों को हम 1 कप दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके आप चाहे तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए तो इवनली मिक्स हो जाता है। और मिक्सर नहीं चलाना चाहे तो नॉर्मल आप ऐसे भी इसे मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे, एज़ पर योर टेस्ट यू कैन ऐड। और नमक डालने के बाद हम इसे मिक्स करके रख देते हैं। और अब हम स्टीमर जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो पानी हमने ऑलरेडी चढ़ा दिया है स्टीमर के लिए, और वेसल को भी अब हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। कोई भी वेजिटेबल ऑयल से आप ग्रीस कर सकते हैं वेसल को। तो अब जो हमारा बैटर हमने रेडी किया है उसमें हम 1 टेबलस्पून के आसपास कुकिंग ऑयल डालेंगे, 2 पिंच सोडा, 1/2 टीस्पून इनो, और थोड़ा सा पानी इनो को एक्टिवेट करने के लिए। और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे मिक्स करने के बाद हमें इसे वेसल में तुरंत ट्रांसफ़र करना है कुकिंग के लिए। तो थोड़ा थोड़ा बैटर हम वेसल में डाल देते हैं, और वेसल में जैसे ही आप बैटर डाल देते हैं उसके बाद आप इसमें हम थोड़ा सा रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। तो रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल करने से ये दिखने में भी अच्छा दिखता है ऊपर से, और उसके साथ साथ इसका टेस्ट भी एनहांस हो जाता है। हल्का सा एक तीखापन आपको अच्छा लगता हो तो ऐड कीजिए ये रेड चिली। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं रेड चिली का स्प्रिंकल जो हम कर रहे हैं। तो अब बस ये रेडी है, स्प्रिंकल कर दिया है हमने रेड चिली पाउडर इडली में। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और अब इसे हम स्टीम करेंगे 10 से 15 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पे। तो बस इसे रख देते हैं स्टीम होने के लिए। चलिए देखते हैं हमारी इडली रेडी है क्या। ऑलमोस्ट 10-12-13 मिनट्स हो चुके हैं, तो इडली रेडी है ऑलमोस्ट। हम चेक करते हैं नाइफ डाल के, यस इट्स रेडी। तो 2 मिनट इसे ठंडा करते हैं फिर डीमोल्ड करेंगे। तो अब इडली हमारी डीमोल्ड भी हो चुकी है और इसे सैंडविच बनाएंगे हम। तो इडली रेडी है, अब सैंडविच के लिए हमें क्या करना है। इडली में इसे सैंडविच बनाने के लिए हमने बीच में से हाफ़ कट करेंगे। हाफ़ कट करके इसे हम 2 पार्ट में कर लेंगे, जिसके बीच में हम मसाले की स्टफिंग भरेंगे। तो स्टफिंग भी प्रिपेयर करते हैं। उसके लिए हमने अब मिक्स वेजिटेबल्स कट करके रखी हुई है ऑलरेडी। तो आप इसमें अपनी चॉइस के वेजिटेबल्स डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, जो आप चाहें वो। हमने यहाँ पर कैप्सिकम, कैरेट वगैरह लिया हुआ है, तो हमने इसमें देखते हैं चलिए क्या क्या लिया है। इसके लिए मिक्स वेजिटेबल्स लिए हैं, हरी मिर्च, अदरक, कड़ी पत्ता हमने लिया है। और मसाले में हमने लिया है जीरा पाउडर, भुना जीरा हमने लिया हुआ है, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक, काला नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा और राई तड़के के लिए।
और वेजिटेबल्स में हमने लिया हुआ है तीनों कलर के बेल पेपर्स, ग्रीन, रेड एंड येलो, थोड़ी सी धनिया पत्ती, गाजर, अनियन, और कच्चे केले हमने बॉईल करके रखे हैं मैश करके। तो कच्चे केले बॉईल कर आप छिलके के साथ ही बॉईल करते हैं, और बॉईल होने के बाद हम छिलके को निकाल के उसे मैश कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो हमने ये रेडी करके रखा हुआ है। अब हम आप चाहें तो यहाँ पे कच्चे केले की जगह में पोटैटो भी यूज़ कर सकते हैं, बट कच्चे केले की डिश यूजली लोग कम बनाते हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट देने के लिए कच्चे केले यूज़ किए। तो अब थोड़ा सा तेल हमने चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, मसाला बनाने के लिए। तो तेल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें जीरा राई ऐड कर देंगे, अनियन ऐड कर देंगे, कैरेट, कैप्सिकम, दोनों टाइप के येलो एंड रेड बेल पेपर्स भी ऐड कर देंगे, अदरक डाल देंगे, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, ये सब डाल के हम इसे सौते कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्स करके अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए हम इसे कुक कर लेंगे, 1-2 मिनट के लिए। फिर उसके बाद में हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। मसाले में हमने सबसे पहले सॉल्ट ऐड किया है, और उसके बाद में भी सारे जो मसाले थे जो मैंने आपको बताया वो सभी मसाले भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले डालने के बाद जो हमने कच्चा केला ऑलरेडी मैश करके रखा हुआ था वो भी ऐड कर देंगे। तो कच्चा केला भी आप ऐड करके अच्छी तरह से उसे मिक्स कर लीजिए। इसमें हमने 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर भी ऐड किया है खटाई के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं, और अगर आपको खटाई कम पसंद हो या ना पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे मैशर यूज़ करके हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। मिक्स कर लीजिए अच्छे से। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर आप आलू यूज़ करते हैं तो इतना ज़्यादा आपको शायद मैश ना करना पड़े, कच्चे केले थोड़े से हार्ड होते हैं कंपैरेटिवली, इसलिए इसे थोड़ा ज़्यादा मैश करना पड़ता है। थोड़े से दरदरा सा ही रखिएगा, एकदम ज़्यादा मसाला बारीक ना करें, नहीं तो जो सब्जियों का क्रंच है वो भी पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो हल्के हाथों से मैश कर लीजिए अच्छी तरह से, और इसमें थोड़ा सा हम हरा धनिया ऐड कर देंगे लास्ट में। हरे धनिया से बहुत फ्रेश सा टेस्ट आ जाता है किसी भी मसाले में, किसी भी डिश में। तो बस ये ऑलमोस्ट हमारा मसाला रेडी है। तो रेडी करने के बाद मसाला जैसे ही हमारा रेडी हो गया, अब हमने ग्रिल पैन रख दिया है गैस पे, आप देख सकते हैं। तो ग्रिल पैन पे जब ये सैंडविच बनता है, इडली सैंडविच, तो आप देखेंगे आगे चल के कि कितना खूबसूरत इसका रंग भी दिखता है, और ग्रिल मार्क्स जो आ जाते हैं उसकी वजह से वो बहुत ही अच्छा सुंदर दिखता है, और टेस्ट में उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ग्रिल पैन हमारा गर्म होने को रख दिया है। अब इडली को जो हमने हाफ कट करके रखा था उसमें हम ये मसाले की जो स्टफिंग कर देंगे, जो हमने मसाला भी रेडी किया उसको हम बीच में स्टफ़ कर देंगे, दोनों पीसेस के बीच में इडली के। उसे नीटली आप बहुत ही केयरफुली करें, इडली थोड़ी सी सॉफ्ट होती है तो हैंडल आप थोड़ा सा आराम से कीजिएगा, बस उसे स्टफ़ करके दोनों तरफ से आप इडली से कवर हो जाता है, वो एक प्रॉपर सैंडविच के जैसा ही दिखता है। और जब हम इसे सेक लेते हैं तो इसमें जो क्रंच आता है उससे वो और भी स्वादिष्ट हो जाता है। चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा ऊपर से दूसरे साइड से स्प्रिंकल नहीं हुआ था रेड चिली, इसलिए आप थोड़ा सा रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल कर सकते हैं, और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद ना हो तो। तो बस अब इसे हम ग्रिल पैन पे थोड़ा सा घी लगा देंगे और इडली को रख देंगे, और इडली थोड़ी सी जब गोल्डन आपको लगेगी, हाँ अराउंड 1 मिनट के आसपास, अब मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे सेकते हैं तो 1 मिनट ले लेता है गोल्डन होने तक। तो 1 मिनट तक इसे अच्छी तरह से एक तरफ से सेकने के बाद हम इसे पलटेंगे और फिर से घी लगा देंगे, दोनों तरफ से घी लगा के अच्छी तरह से सेकेंगे।
तो गोल्डन होने के बाद इसे हम दोनों तरफ से, जब आपको लगे कि अच्छी तरह से गोल्डन हो गया है, तो बस ये रेडी है आपके सर्विंग के लिए। अब इसे सर्व कर सकते हैं आप किसी भी सॉसेस के साथ, या हरी चटनी के साथ, या ग्रीन चटनी के साथ। सुपर टेस्टी होती है ये इडली, और ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये रेसिपी शेयर कीजिए। हमें ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी, और हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का ऐसी ही हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस रेसिपीज़ के। रोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू।